नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। भारत के रपत्ती कारोबारी और रेमंड टेक्सटाइल के मालिक गौतम सिंघानिया अपने रवैये की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि ये दिवाली पहले जैसी नहीं होने वाली है। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? तो दरअसल खबर ये है कि गौतम सिंघानिया और उनकी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया अलग हो गए हैं। जी हाँ, 32 साल बाद ये जोड़ी अलग हो गई है। अगर आप घटनाक्रम पर गौर करें तो नवाज मोदी सिंघानिया को पिछले हफ्ते थाने में उनके पति यानी गौतम सिंघानिया की दिवाली पार्टी में शामिल होने से रोक दिया गया था। वहीं ऐसी खबरें भी थी कि पिछले महीने गौतम ने अपने ब्रीच कैंडी हाउस में नवाज के साथ मारपीट की थी, जिससे उनकी कॉलर बोन टूट गई थी। इसके बाद नवाज मोदी को गिरगांव के सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया। हालांकि इस मामले में पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन सबको देखकर और सुनकर ऐसा लगता है कि उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अलग होने के बारे में खुद गौतम ने आज यानी सोमवार को एक पोस्ट में बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये दीपावली बीते सालों की तरह नहीं होने वाली है। एक कपल के तौर पर 32 साल साथ रहकर, माता पिता के तौर पर ग्रो होकर और हमेशा एक दूसरे के लिए मजबूती की वजह बने रहकर हमने लंबा सफ़र तय किया। हमारे कमिटमेंट और भरोसे के सफ़र में दो सबसे खूबसूरत पड़ाव भी आए। हाल के दिनों में हमारे जीवन के इर्द गिर्द बहुत सी निराधार अफवाहें और गॉसिप्स फैलाई जा रही हैं, जिन्हें हमारे कथित शुभचिंतकों ने काफ़ी हवा दी। ये मेरा विश्वास है, बिलीव है कि नवाज़ और मैं यहाँ से अलग अलग रास्ते अपनाएंगे और मैं उनसे अलग हो रहा हूँ, जबकि हम अपने दो अनमोल हीरे निहारिका और निशा के लिए जो भी बेहतर होगा वो करते रहेंगे। कृपया इन निजी फैसले का सम्मान करें और हमें इस रिश्ते के सभी पहलुओं को सेटल करने के लिए स्पेस दें। इस वक्त मैं पूरे परिवार के लिए आपकी शुभकामनाएं चाहता हूँ। ये लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने एक्स पर लिखा। इसके अलावा गौतम सिंघानिया पर अपने पिता को घर से निकालने तक के आरोप लगे हैं। विजयपत सिंघानिया ने रेमंड्स की नींव रखी थी और बीते साल गौतम सिंघानिया के अपने पिता विजयपत सिंघानिया से भी विवाद चल रहे थे और ये विवाद एक फ्लैट को लेकर शुरू हुआ था, जिसे विजयपत सिंघानिया बेचना चाहते थे, लेकिन गौतम ऐसा चाहते नहीं थे और उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे और ये विजयपत सिंघानिया ने रेमंड ग्रुप की को बनाया था, उनकी नींव रखी थी और विवाद इतना बढ़ गया कि ऐसी खबरें आई कि उन्होंने अपने ही पिता को घर से निकाल दिया और कारोबार से बेदखल कर दिया। सिंघानिया ने 1999 में भारत के सॉलिसिटर नादर मोदी की बेटी नवाज मोदी से शादी की थी। उन्होंने 8 साल के रिलेशनशिप के बाद 1999 में 29 साल के नवाज से शादी की थी और गौतम की पत्नी नवाज पारसी हैं। नवाज के पिता इस शादी के लिए राजी नहीं थे। 2005 में गौतम सिंघानिया ने मुंबई के बांद्रा में पॉइजन नाम से एक नाइट क्लब खोला था। बॉलीवुड एक्ट्रेस विनय टंडन सिंघानिया की फैमिली की खास दोस्त भी हैं। तो गौतम सिंघानिया रेमंड ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनकी जो नेटवर्थ की बात करें तो वो करीब 11,000 करोड़ रुपए है और रेमंड ग्रुप के पास क्लोथ, डेनिम, कंज्यूमर केयर, इंजीनियरिंग और रियल एसेट सहित अन्य दूसरे बिजनेस भी हैं। रेमंड ग्रुप का रेडी टू वेयर अपैरल स्पेस में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और डेनिम कैटेगरी में भी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। कंपनी हाई क्वालिटी डेनिम भी सप्लाई करते हैं, लेकिन ये खबर इस वक्त इस बीच में आ रही है और ये चर्चा का विषय है। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट के जरूर बताएं, मेरे को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स है वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।